आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। जी हाँ, रेलवे में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि अगर आपने ये नियम नहीं माना तो आपको देना पड़ सकता है जुर्माना। जी हाँ, और ये नियम इसलिए भी खास है क्योंकि ये आपका ख्याल रखता है। जी हाँ, आपको बता दें कि अब ट्रेन में सोने को लेकर नियम बना दिया गया है। जी हाँ, रेलवे ने ये नया नियम बनाया है, क्योंकि अक्सर रेलवे को ये शिकायतें मिलती थी कि मोबाइल पर देर रात तक लोग गाना सुनते हैं, और यही नहीं, ट्रेन में बैठे लोग ग्रुप बनाकर ऊंची आवाजों में बातें करते हैं और हंसी मजाक करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं किसी की नींद में जरूर खलल पड़ता है। यही नहीं, इसके अलावा ट्रेन में लाइट जलाने और बुझाने को लेकर भी कई बार विवाद हुआ है। इसी के चलते रेलवे मिनिस्ट्री ने ये नया नियम बना दिया। आपको बता दें कि रेलवे अक्सर लोगों के सुझावों के आधार पर अपने नियम बनाता है, और अब ये नया नियम भी लोगों की शिकायतों और सुझावों पर ही बनाया गया है। जी हाँ, अब यात्रियों की नींद में कोई खलल ना पड़े और वो यात्रा के दौरान चैन की नींद ले सके, इसके लिए ये नियम बनाया गया है। आपको बता दें कि इस नए नियम के मुताबिक अब आपकी सीट, कंपार्टमेंट या कोच में कोई भी पैसेंजर तेज आवाज में मोबाइल पर बात नहीं कर सकता है और न ही वो ऊंची आवाज में गाने सुन सकता है। दरअसल यात्रियों द्वारा की गई इस तरह की शिकायतों के बाद रेलवे ने ये नियम बनाया है। इतना ही नहीं, अगर इन नियमों को कोई तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है। मतलब कुल मिलाकर अब आप ट्रेन में चैन की नींद सो सकते हैं। आपको बता दें कि रेलवे मंत्रालय ने रेलवे के सभी जोन को आदेश भी जारी कर दिया गया है और इन नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा है। यही नहीं, इन नियमों को तोड़ने की जानकारी अगर कोई यात्री उन्हें देता है तो इसका समाधान करने के लिए जिम्मेदारी ट्रेन में ही मौजूद स्टाफ को दी गई है। तो अगर आप भी ट्रेन में सफर के दौरान ये काम करते हैं या फिर कोई दूसरा ये काम करते हुए आपको दिखाई देता है तो ये रेलवे के सख्त नियम अब लागू हो गए, जिससे अब आप ट्रेन में रात के समय चैन की नींद ले सकते हैं। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।